हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद चरणामृत। चरणामृत दूध दही और चीनी तुलसी पत्ते और गंगा जल से बनता है। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, 2 बड़े चम्मच दही, मीठा अपने स्वाद के अनुसार और तुलसी के पत्ते, गंगा जल और शहद। चरणामृत जन्माष्टमी स्पेशल भोग होता है जो कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही को लिया है। दही ताज़ा जमा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके अंदर अब हम पिसी हुई चीनी या बूरा डाल के मिक्स करेंगे। इसमें हमने यहाँ पर 2-3 चम्मच के करीब गंगा जल डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। अच्छे तरह मिलाने के बाद इसमें हम दूध मिक्स करेंगे। भगवान कृष्ण जी को प्रसाद में चरणामृत का भी भोग लगा दें तो भी बहुत होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूध दही उनको बहुत ही पसंद था। दूध मिक्स कर दिया है। दूध यहाँ पर ठंडा लिया गया है। अब इसमें हमने 1 बड़ी चम्मच के करीब शहद लिया है। भगवान श्री कृष्ण को बिना तुलसी के उनका भोग अधूरा होता है। तुलसी के जो दल होते हैं वो ज़रूर प्रसाद में रखे जाते हैं। आप कोई भी प्रसाद चढ़ाएं मगर उसमें तुलसी का पत्ते ज़रूर रखें। भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी के पत्तों का ही भोग लगाएं तो भी वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा चरणामृत तैयार है। चाहें तो आप इसके अंदर मखाने भी डाल सकते हैं। हमारा भोग तैयार है। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।